वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मेन पार्ट के आखिरी यानी कि तीसरे पार्ट में लेकर चलती हूँ। इस पार्ट में आपको जल जली टाइगर पॉइंट और फिश पॉइंट देखने को मिलेगा, तो वीडियो में बने रहिए और मज़ा लीजिए। दोस्तों, ये आलू की खेती है, जो गांव में रहते हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि उनका अभी सीज़न है फूल फूलने का। तो कितना सुंदर दिख रहे हरे हरे पौधे में सफ़ेद सफ़ेद फूल, बहुत ही मन को भा रहे हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं जलजली स्थल में। आप साइन बोर्ड देख सकते हैं, मैनपट स्थल से ये 2 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पे बहुत सारे घोड़े जमे हुए और हर एक घोड़े का नाम अलग अलग है। यहाँ पे लोग घोड़े में बैठा के जलजली तक ले जाते हैं या फिर अगल बगल घुमा देते हैं। आप लोग भी अगर बैठना चाहते हो घोड़े में तो यहाँ पे आ सकते हो और घोड़े का मज़ा ले सकते हो। मैं तो घोड़े में बैठ गई मज़ा लेने के लिए, पर बहुत डर लग रहा था मेरे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिलाता है और मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हर घोड़े का नाम अलग अलग होता है, जैसे ये वाला घोड़ा का नाम तूफान था, इनका बादल था। आप लोग देख ही सकते हैं कि घोड़े का नाम स्क्रीन पे लिखा हुआ है। खैर, अभी तो उतना भीड़ नहीं है, लेकिन जब सीजन होता है तो ये नवंबर दिसंबर में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। हम लोग ने, ये भूख लग रहा था तो ये छोटा सा दुकान में गए और यहाँ पे मैगी बनाए जो कि 5 मिनट में बनता है, और मकाई ये भैया बहुत ही स्वादिष्ट बनाए, एकदम देसी स्टाइल में चूल्हे में खाए, एकदम मस्त लगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट जगह टाइगर पॉइंट। तो अब हम अपने गाड़ी को टाइगर पॉइंट की ओर लेके चलते हैं और आप लोग वीडियो में बने रहिए। टाइगर पॉइंट वाले रास्ते में दोस्तों बहुत सारे बंदर थे, छोटे छोटे भी थे और बड़े बड़े भी थे। ऐसा उनको देख के लग रहा था कि खाने का बहुत आस, उनको बड़ी भूख लगी थी और वो लोग हमें देख रहे थे, पर दोस्तों हमारे पास तो कुछ था नहीं इसलिए कुछ नहीं दे पाए। तो फाइनली दोस्तों हम लोग टाइगर पॉइंट आ गए हैं। यहाँ के स्थानीय लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत साल पहले टाइगर पानी पीने आते थे, तो इन्हीं के द्वारा ये नाम पड़ा है टाइगर पॉइंट। देखो देखो, ये बंदर को माँ के साथ खाना मांगने आया है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नीचे की ओर और आप लोग मेरे साथ साथ अपना नज़र नीचे की ओर लगाते रहिए और वीडियो में बने रहिए। ये देखो बंदर लॉन्ग जंप कर रहा है और हम लोग तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। Thank you.
दोस्तों हम लोग टाइगर पॉइंट में बहुत सारा मस्ती किए, अब हम चलते हैं फिश पॉइंट में। कमलेश्वरपुर से अंदर चौक से आते हुए सीधा आना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे दो या तीन झरने आपको मिल जाएंगे, हमें तो दो झरने देखने को मिले हैं। ये फिश पॉइंट का झरना भी बहुत ही सुंदर है। दोस्तों आप लोग मेन पार्ट की सुंदरता और उनका असली मजा लेना चाहते हैं तो आप लोग सितंबर के बाद मौसम में आइए। उस मौसम में आपको जगह जगह पे ताऊ की खेती और सरसों की खेती देखने को मिलेंगे। ताऊ की खेती में सफ़ेद सफ़ेद वाला फूल बहुत ही सुंदर दिखता है और सरसों की खेती में भी येलो येलो फूल फूलते रहते हैं तो बहुत ही अच्छा दिखता है उस वक्त का मौसम। We just keep on fighting and we never look back. Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up. तो दोस्तों अब हम लोग को घर जाने का वक्त हो गया है और आप लोग हमारे साथ इतने टाइम तक वीडियो में बने रहे थे, हमारे वीडियो का मजा ले रहे थे, तो इसके लिए सबको थैंक यू।